आज हम लोग पढ़ेंगे एल्जेब्रिक मेथड्स आप शादी में आप क्लियर आप लीनियर इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम आज पढ़ेंगे। देखा है एल्जेब्रिक मेथड्स आप सॉल्विंग में क्लियर आप लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है प्रतिस्थापन विधि, मतलब एक की वैल्यू के स्थान पे दूसरे की वैल्यू को पुट करके वैल्यू की वैल्यू को निकालना। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल हमारा एक है 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, किसी एक इक्वेशन को लेते हैं x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करते हैं। बात को ध्यान से सुनिए, लीनियर इक्वेशन जो आपको दो दिए रहेंगे अगर उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए कहेगा तो किसी एक इक्वेशन को लेंगे और x या y किसी एक की वैल्यू x या y किसी एक की वैल्यू को निकाल के जो इक्वेशन दूसरा होगा उसकी वैल्यू उसकी पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 7x - 15y = 2, तो 7x = हो जाएगा 2 + 15y। इसको ट्रांसफर कर दिया, x को लो निकाल दें, x = 2 + 15y / 7, ये आपकी x की वैल्यू हो गई। अब x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, x की वैल्यू हम सेकंड में पुट करेंगे, x + 2y = 3, यही हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है। वैल्यू पुट करते हैं x की 2 + 15y / 7 + 2y = 3। इसको हम सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा, यहां सॉल्व करते हैं 7 + 14 + 15y / 7 + 2y = 3, यह होगा आपका 14 + 15y / 7। इसको भी 1 मार्क के साथ करते हैं, + 2y / 1 = 3, 14 + 15y + 7 का इसमें गुणा करेंगे ये 2y है आपका 14y / 7 = 3। टास्क मल्टीप्लिकेशन फिर करेंगे 14 प्लस ये हो जाएगा आपका 29y = 21 और 29y = 21 - 14 का आंसर कर लेंगे 29y = 7 हो जाएगा, तो y = आपका होगा 7/29। y की वैल्यू निकल गई, अब y की वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दें, y को निकाल के पुट कर दें, x भी निकल जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन नंबर पर x इस पर 2 + 15y / 7 y में पुट कर दें, x इस पर 2 + 15 / 7/29/7 सार करेंगे इसको, यह हो जाएगा 2 + 15 = 5 / 29/7। इसको जब आप साफ करेंगे, जब इसको आप साफ करेंगे तो आपका जो आंसर मिलेगा x = 49/29, यही आपका x और y की वैल्यू होगी।
निकालने का ये तरीका होता है। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूं, जो आपको दो लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे अगर उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए कहेगा तो दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन को लेके x या y की वैल्यू निकालते हैं। देखो हमने इक्वेशन फर्स्ट लिया और इससे x की वैल्यू निकाल लिया, x की वैल्यू जो निकालते हैं x की वैल्यू निकाल के उसको सेकेंड इक्वेशन में क्या करते हैं पुट करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया, सेकेंड इक्वेशन पुट करने के बाद उसको सॉल्व करते हैं तो आप कोई एक वैल्यू देखो निकाल के सॉल्व किया तो हमको y की वैल्यू 7/29 आ गई। जब y की वैल्यू आ जाएगी तो आप किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू जब चाहे y क्या है चाहे x क्या है, जब y की वैल्यू आ गई y की वैल्यू जब किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब सब्स्टिट्यूशन मेथड की जो एक्सरसाइज है 3.3 उसको हम पढ़ेंगे। जैसे इसमें से भी क्वेश्चन नंबर कर रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, कह रहा है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके ही इसको सॉल्व करना है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर लेते हैं आपका फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं, पहले का क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। जैसा कि मैंने आपको बताया दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को लेके x और y की वैल्यू निकाल के उसमें पुट करते हैं, लेते हैं राम इक्वेशन फर्स्ट, राम इक्वेशन फर्स्ट अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0, ये सब निकालते हैं अंडर रूट 2x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3y, ये सब वैल्यू हो जाएगी माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2y। अब देखेंगे कोई मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड है आपका अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट y इक्वल टू 0, ये सब वैल्यू पुट करते हैं अंडर रूट 3 गुणे माइनस अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 का पूरा होगा तो अंडर रूट 9 हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे 3 हो जाएगा माइनस 3y अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y 1 माइनस 3 को 0 इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा माइनस 3y माइनस इसका इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका अंडर रूट 16y अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा माइनस 3y, या जिसका स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस 4y हो जाएगा, ये अगर पूरा करेगा तो 0 हो जाएगा माइनस 7y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, y की वैल्यू आपको मिल गई। अब y की वैल्यू आप x का इक्वेशन करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड x is equal to minus under root 3 upon 2y, x is equal to minus under root 3 upon under root 2, y को 0 पुट करेंगे यानी x की वैल्यू क्या आएगी 0, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी प्रकार से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यही तरीका होता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस बार नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन लेते हैं आप जैसे कि क्वेश्चन नंबर बी है सिक्स वाले लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इस कर को माइनस 2 x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इस कर को 13 अपॉन 6, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड।
सबसे पहले हम देखते हैं कि यह जो द्विवेद प्रश्न का जनरल फॉर्म ax plus by plus c होता है उसके प्रूफ का नहीं है। सबसे पहले हम ये देखते हैं जो इक्वेशन दिया गया है वह ax plus by plus c के फॉर्म का नहीं है। सबसे पहले उसको ax plus by plus c के फॉर्म का बनाते हैं, इसको थोड़ा हम इसका सही रूप मिलाते हैं। तो 3 3 9x 2 5 10y अपॉन 6 इसका टू माइनस 2 पहले किसी को उठा रहे हो जाएगा आपका 9x माइनस 10y इसका टू माइनस 12 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहिए इसको, इसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहिए। इसको हमारा अपने इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 3। सेकेंड वाले में ऐसे सेकेंड वाले सुधारते हैं तो इसको करेंगे तो 2x प्लस 3y अपॉन 6 इसका 13 अपॉन 6 यहाँ पर सेवन कट जाएगा तो आपका इक्वेशन बनेगा 2x प्लस 3y इसका 13 इक्वेशन नंबर, यह आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ और ये वाला इक्वेशन नंबर सेकेंड हुआ। फिर वही क्रिया को दोहराएंगे हम जो हमने पहले किया है, किसी एक इक्वेशन को लेके x या वाई दोनों निकाल के दूसरे को लिखते हैं। राम इक्वेशन फर्स्ट 9x माइनस 10y माइनस 10 9x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 12 प्लस 10y हो जाएगा, ट्रांसफर कर दिया उसको उधर x इक्वल टू 10y माइनस 12 अपॉन 9। देखिए कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर से कहेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये सिंपल पुट करते हैं 2x वैल्यू है 10y माइनस 12 अपॉन 9, 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13, यहां से 2y निकल जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 20y इसको वन मान लेते हैं 20y माइनस 24 प्लस 9327y अपॉन 9 13, ये हो जाएगा 20y 27y हो जाएगा 47y माइनस 24 और 39,117 तो आपका होगा 47y इक्वल टू, इसको जोड़ देंगे उधर जाके हो जाएगा 170 प्लस 24 तो 47y इक्वल टू 11,141 तो आपकी वाई की वैल्यू होगी y is equal to 141 upon 40 से 30 काटे इसको 3721 को 3675 सही है, ठीक है ये y वैल्यू आ गई थी। अब लिखेंगे पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन इक्वेशन आपका थर्ड क्या बना है इक्वेशन थर्ड x is equal to 10y minus 12 upon 9 x is equal to y by 3 10 multiply 3 minus 12 upon 9 x is equal to 13 minus 12 upon 9 x is equal to 18 upon 9 2 x will y नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है सॉल्व 2x plus 3y इस पर 11 एंड 2x minus 4y इस पर 24, दो इक्वेशन दिए गए हैं 2x plus 3y इस पर 11
2x minus 4y is equal to minus 24. Hence, find the value of m for which y is equal to mx plus 3. mx plus 3. कर रहे हैं m की वैल्यू निकाल लिए और for which y is equal to mx plus 3. सबसे पहली बात है कि जैसे 2x plus 3y is equal to 11. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है. क्वेश्चन नंबर इसमें अगर दो की भाग देंगे तो छोटा हो जाएगा. तो ये उस बात में कि x minus चाहे पहले से इसको लिख देते हैं 2x minus 4y is equal to फर्स्ट छोटा करते हैं x minus 2y x minus 2y is equal to minus 20. क्वेश्चन नंबर ओके सब्स्टिट्यूशन कितने टाइम करेंगे ये फ्रॉम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12 x इज इक्वल टू जाएगा माइनस 12 प्लस 2y यानी x इज इक्वल टू 2y माइनस ये सिमिलरली करके पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट 2x plus 3y is equal to 11. Yes, we will put the 3x value 2y minus 12 plus 3y is equal to 11. ये हो जाएगा आपका 7 plus 3 plus 6y 3 plus 36 plus 3y is equal to 11. 6y 3y 9 या 9y is equal to हो जाएगा 11 plus 36 तो 9y is equal to हो जाएगा 7 ओके 7 36 फिर से एक बार देखते हैं 3x नहीं यार सॉल्यूशन बाय सॉल्यूशन कर रहा है कि दिए गए प्रॉब्लम से आपको लीनियर इक्वेशन बनाने होंगे
और सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसके सलूशन को निकालना है। तो ऐसे तीसरे का क्वेश्चन नंबर हम टू देखते हैं। तीसरे का क्वेश्चन नंबर टू दिया है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। देखो सप्लीमेंट्री एंगल, सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या, सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल का योग, दो एंगल का जोड़ 180 डिग्री के बराबर है तो वही होता है सप्लीमेंट्री। अब उसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और लगाएंगे। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो उसका लार्जर एंगल है सप्लीमेंट्री का, वह स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री, 18 डिग्री क्या है बड़ा है। फाइंड देन करा था बिल्कुल करें, देखिए पहले मान लीजिए आपने लार्जर एंगल ली एक्स एंड स्मॉलर एंगल भी वाई, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का योग सप्लीमेंट्री एंगल होता है, तो एक्स प्लस वाई 180 होगा। क्यों होगा जानते हैं, सब आप टू एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल। नाउ फ्रॉम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो फर्स्ट एंगल है लार्जर एंगल है वह स्मॉलर एंगल से 18 बड़ा है, यानी आपका x प्लस 18 इक्वल टू y, वह 18 ज्यादा है, यानी आपका जो क्वेश्चन बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 18 इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट सेकेंड इक्वेशन जैसे निकालते हैं x इक्वल हो जाएगा माइनस 18 प्लस y, एन एस इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 18। इक्वेशन नंबर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन है यहां x इक्वल टू होगा आपका y माइनस 18, y माइनस 18 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, 2y माइनस 18 इक्वल टू 180 डिग्री। तो हो जाएगा 2y 180 प्लस 18, 2y इक्वल टू हो जाएगा 891 198, 8y इक्वल टू हो जाएगा 198 अपॉन 99 डिग्री। अब वाई की वैल्यू आप इससे पूछ लीजिए, वाई की स्मॉलर एंगल आपका मिल गया 99 डिग्री, देन लार्जर एंगल होगा जो आपका लार्जर एंगल x is equal to लेकिन पहले थोड़ा सा
डिफरेंट आ गई है, आंसर सही आपका, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, यहां थोड़ा सा चेंज करेंगे, लेफ्ट स्मॉलर एंगल एंड लार्जर एंगल, बाकी सब सही है, आप पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन में कर्व।